कुश और कोमल पत्तों की साथरी पर श्री राम तथा सीता रात्रि विश्राम कर रहे हैं। प्रभु को धरती पर शयन करते देख निषाद राज गुह का मन विषाद से भर जाता है। लक्ष्मण ने निषाद राज की मनोदशा भांप उन्हें ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उपदेश दिया। कहा, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। भले बुरे का योग, मिलन और वियोग, शत्रुता मैत्री तथा उदासीनता भ्रमजाल हैं। जन्म और मरण, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल इस जगत के जंजाल हैं। सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास परंग मंजुमनि दीप सब विधि सकल सुपास। धान तुराई क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई तहसिय राम शयन निशिकर निज छबिरति मनोज मधुहर राम साथरी सोए श्रमित बतन बिनु जाहि न जोए मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास अरुदासी जोग वही जिन्हें प्राण की ना सोवत ते राम गोसाई पिता जनक जग विदित प्रभाऊ ससुर सुरेश सखा रघुराऊ चंदुपति सोवे देही सोवत मही विधि वाम नकेही सिय रघुबीर की कानन जोगु करम प्रधान सत्य कहलो सुख
सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता जोग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा जन्म मरनु जहाँ लगी जग जानू संपत्ति विपत्ति करम अरुकालू धरनी धाम धनु पुर परिवारु सरगु नरकु जहाँ लगी व्यवहारु देखिया सुनिया गुनिया मन माही मोह मूल परमार तुनाही सपने होई भिखारी निपु रंगु नाक पति हो जागे लाभुन हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जो अस बिचारी नहीं कीजिय रोसु काहु ही बादिन दे दोसु मोहनी सांस बुसोव निहारा देखिया सपन अनेक प्रकारा एही जग जामिनी जागही जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी जानिया तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा होई विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा मन क्रम बचन राम पद नेहू राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख अनादि अनुपा सकल विकार रहित गत भेदा कहीं नित नेति निरूप ही वेदा भगत भूमि भूसुर सुर भी सुर हित लाभि कृपा चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जानु।